एक वृद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वर्तमान मध्य प्रदेश शासन मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मध्य प्रदेश शासन मंत्री इमरती देवी, भांडेर विधायक घनश्याम पिरोनिया और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत भाई ने मंच की शोभा बनाई। इस मौके पर कोरोना काल में दिवंगत शिक्षकों के प्रति शासन का असंवेदनशील रवैया और शिक्षकों के लिए शासन के द्वारा प्रदान महंगाई भत्ता का समय पर न मिलना आदि गंभीर मुद्दों पर शासन के मंत्री जनों को अवगत कराया गया। इस मौके पर लहार ब्लॉक से शिक्षिका बहन दीपा कुशवाहा के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को मेहमानों के समक्ष रखकर तीखे सवाल किए। सवालों में बहुत ही मार्मिकता थी। वहीं इसके लिए आए हुए मेहमानों को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने पर विवश कर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान एवं पूर्व मंत्री एवं विधायक ने कहा कि वर्तमान में भारत में एकमात्र शिवराज सिंह ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए संवेदनशील रहते हैं, इसलिए वो हमेशा ऐसा निर्णय लेते हैं चाहे शासकीय कर्मचारी हो या आम जनता, उनके लिए लाभदायक रहते हैं। इस ग्वालियर चंबल अंचल में शासकीय शिक्षकों के द्वारा अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गालब सभागार में एक वृद्ध संगोष्ठी में संभागीय अध्यक्ष राजेश राजावत, प्रदेश संगठन में दायित्व संभाल रहे कल्याण कौरव, ग्वालियर जिला अध्यक्ष सरिता शर्मा और भिंड जिला अध्यक्ष आनंद भदूरिया ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई महीनों से मेहनत कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इस मौके पर लहार से शिक्षक साथियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें राज नारायण दोहरे, राजकुमार कौरव, सुरेंद्र गौर, कमलेश झा, अनिल श्रीवास्तव, जगदीश रजक के द्वारा लहार के ब्लॉक समन्वय अधिकारी के शैलेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल संभाग के शिक्षक साथियों को सारी व्यवस्था के लिए अपना अमूल्य योगदान देकर प्रदेश पदाधिकारी के साथ अंचल के शिक्षकों के द्वारा हृदय में सम्मान प्राप्त किया गया। सभी आए शिक्षकों ने हृदय से उन्हें इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। तो हम आपसे कहना चाहते हैं और हमारे आज मैं तो पूर्व हूँ लेकिन वर्तमान मंत्री हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने दयालु हैं, उनमें बहुत दया है, वो दया के पुजारी हैं, वो शायद आपकी सुनेंगे और हमारे मंत्री जी उनसे कहेंगे और मैं भी उनके साथ में आपकी लड़ाई और ये निर्माण की परंपरा जारी रहे। आपको कहीं कोई सोच संकोच ना हो, मध्य प्रदेश की सरकार आपके सामने हमेशा खड़ी हुई है और ऐसे कार्यक्रम में आपने आज भारत सिंह कुशवाहा जी को बुलाया है। भारत सिंह कुशवाहा जी, मैं बिल्कुल निवेदन पूर्वक कहता हूँ, अगर आज कोई मध्य प्रदेश में कैबिनेट में मुख्यमंत्री का खास कोई आदमी है तो भारत सिंह कुशवाहा जी। मंत्री महोदय से या किसी के मन में भी विचार होगा बाहर के जो भी है कि पेंशन क्यों जरूरी, तो मैं आपको बता दूं कि भैया आप ऐसे टकसाल हमें कहते हैं, ऐसा राष्ट्र निर्माता हमें कहते हैं, तो हमारा भविष्य अंधकार में क्यों? ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमेशा समस्याओं को टालने का काम नहीं किया, समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। समस्याएं अगर पैदा उत्पन्न की थी तो कांग्रेस ने की थी। 2003 के पहले को हम जाएं, जिन शिक्षकों की भर्ती कर्मी के रूप में हुई, किसी को 500 रुपए वेतन, किसी को 1500, किसी को 2500, एक मजाक सा बना दिया था कांग्रेस ने। अगर सम्मान देने का काम कर्मी की जगह शिक्षक के रूप में सम्मान देने का काम किया तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, छठवा सातवा वेतनमान भी लागू किया। इस प्रकार से उनकी जो भी समस्याओं का निराकरण अगर हुआ है तो शिवराज जी के नेतृत्व में शिवराज जी की सरकार ने किया है। इसलिए सबको, जैसा मैंने कहा, उम्मीद अपने से ही होती है। शिवराज जी को सब लोग दिल से मानते हैं, उन्होंने अपनी एक बात को रखने के लिए ये संगोष्ठी रखी थी और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण भरोसा है। आज मनोकामना यात्रा है, वो पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में है, तो जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अध्यापक शिक्षक संवर्ग के जो दिवंगत साथी हमारे विगत वर्षों में दिवंगत हो गए हैं, उनके आश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है, जो हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं शिक्षक उनको पेंशन जो है
500,000 रुपए मिल रही है। इसलिए हम जनप्रतिनिधियों, सरकार के जनप्रतिनिधियों के सामने हम इनकी पीड़ा रखने के लिए ये कार्यक्रम शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की गई है।